टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी की चमक एक बार फिर से निखर कर सामने आई है। आज हम बात करेंगे चंडीगढ़ हॉकी एकेडमी की, जहां से खिलाड़ी नेशन के लिए अपना रास्ता बनाते हैं। आपको बता दें, देश के लिए पदक लाने वाले भारतीय हॉकी प्लेयर में से दो खिलाड़ी रुपिंदर और गुरचंद भी अपनी कोचिंग चंडीगढ़ हॉकी एकेडमी से ही शुरू की थी। तो दूसरी ओर हॉकी एकेडमी की तीन लड़कियां ओलंपिक 2020 खेली हैं। आपको चंडीगढ़ खेल परिसर की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। ये छोटी छोटी आयु के बच्चे आज से ही अपने सपनों की डोर बना रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे किस तरह से अपनी तैयारी व देश के लिए मेहनत कर रहे हैं। आपको बता दें कि रुपिंदर ने 2002 और गुरजन ने 2007 से 2011 तक यहाँ अकेडमी में हॉकी खेली, उसके बाद वो इंडियन टीम में चले गए। दूसरी ओर हॉकी अकेडमी की तीन लड़कियां भी ओलंपिक 2020 खेली हैं। तो वहीं इस मौके पर राष्ट्रीय खबर की टीम ने यहां के कोच गुरविंदर सिंह से खिलाड़ियों की तैयारी व बड़े टूर्नामेंट के लिए की गई तैयारियों के बारे में बात की। तो आइए जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। सर नाम गुरविंदर सिंह। सर कितने खिलाड़ी हैं जो चंडीगढ़ अकेडमी से भी निकले हो? चंडीगढ़ अकेडमी से 2012 किलों का मैं करमवीर सिंह ने पार्टिसिपेट किया था। अभी हमारे दो लड़के और दो लड़कियां ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रही हैं, रुपिंदर पाल सिंह और गुरजान सिंह, जो आज आपने मैच देखा उसका ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन दूसरी सेमीफाइनल टीम है जो इंडिया की वुमेन हॉकी, उसमें भी लड़कियां हमारी संभावना के वो जरूर मेडल प्राप्त करेंगे। एक खिलाड़ी को बनने के लिए, खिलाड़ी ग्राउंड जीरो से बनाने के लिए ओलंपिक तक की कितनी मेहनत होती, किस प्रकार का इनका जो है वो सेशन रहता है? देखिए, सबसे पहले तो जरूरी है कि बच्चे के बीच टैलेंट होना जरूरी है। उसके बाद उसके ऊपर उस टैलेंट के अनुसार जिस गेम में भी वो ठीक रहेगा उसके बीच उसके ऊपर बच्चे के ऊपर टेक्निकली साइंटिफिकली काम किया जाता है। कम से कम 12-15 साल कम से कम एक बच्चे को ओलंपिक तक जाने के लिए लग जाता है। अब कैसे टैलेंट कहाँ जैसे देखते हैं, गांव में आ जाए या शहर में आ जाए? देखा जाए तो गांव में काफ़ी बच्चे जो है स्ट्रॉन्ग दिखने को मिलते हैं, तो किस तरह से आप खिलाड़ी चुनते हैं? ऐसा कि ज़्यादातर बच्चे जो गांव के वाले हैं वो वैसे ही आपको पता है कि मेंटली और फिजिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। शहरों को वाले बच्चों को भी चाहता हूँ कि भी वहाँ भी बच्चे लोग अपने बच्चों को ग्राउंड तक लेके जाएँ और उनकी सपोर्ट करें, बच्चों को अच्छा प्लेयर बनने में सपोर्ट करें। कितने खिलाड़ी निकल चुके हैं आज तक चंडीगढ़ के लिए, नेशनल लेवल के लिए, इंटरनेशनल लेवल के लिए? नेशनल लेवल पे तो बहुत सारे प्लेयर जहाँ से निकल चुके हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जैसी कहिए तो हमारे तीन लड़के और दो लड़कियाँ ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रही हैं। लेकिन इसके अलावा जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट है उसके भी बहुत सारे खिलाड़ी हमारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।